प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का 7 क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता ही है, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे ये टॉपिक जिसमें आपको मोस्ट ऑफ दी क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको कभी नंबर्स एक्स के कोएफिशिएंट वाई के साथ सेम दिखते हैं, कभी वाई के कोएफिशिएंट आपको एक्स के साथ सेम नजर आते हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। बहुत इजी भी होता है लेकिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 मिलेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, आपको ये नंबर्स के एडिशंस करने हैं। तो आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो नंबर रहेगा 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और यहाँ पर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। एडिशन में आपको एक चीज नजर आएगा कि यहाँ पर 200 इसका एडिशन होगा और अगेन यहाँ पर 200y मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 1000, ओके। अब इसमें से अगर आपको कोई चीज सेम नजर आ रही है तो वो कौन सी चीज है, 200, जिसको आप कॉमन निकाल सकते हो। सो 200 को अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर मिल गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। So x plus y is equals to 1000 is divided by 200. तो आपको मिलेगा x plus y is equals to कितना मिला आपको 5, जो आपका equation number 3 होगा। समझ में आ गया? एक टॉपिक हमने निकाल चुके हैं। अब सेम इसी तरीके से पहले हमने एडिशन किया था, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 by 2, तो क्या हो जाएगा 99x plus 101y is equals to 499 और यहाँ पर मिलेगा 101x plus 99y is equals to 501। सब्सट्रैक्शन में आपको साइन चेंज होते हुए नजर आएंगे, ओके। तो 99 minus 101 हो जाएगा -2x और यहाँ पर मिलेगा +2y is equals to -2। तो आप यहाँ से -2 को कॉमन निकाल सकते हो, -2 को अगर आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पर मिला x minus y is equals to -2। So -2 get cancel, x minus y is equals to 1, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन में कट हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। So x minus y is equals to आपको 1 मिला, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में एक प्लस वाई है और एक माइनस वाई है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एडिशन करना है। सो एडिंग इक्वेशन 3 by 4, यहां पर हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब एडिशन करेंगे तो यहां पर ये दोनों कट हो जाएंगे, आपको पुट करना है पुट x is equals to 3 in equation 1, ठीक है। आप 1 में पुट करो, 2 में करो या फिर आप 3 में भी कर सकते हो, जो आसान इक्वेशन आपको मिलता है आप उस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ओके। तो देखते हैं अब इक्वेशन नंबर 3 में अगर इसको पुट आउट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हुआ, ये वाला। तो आप पुट कीजिएगा 3 plus y is equals to 5, so y is equals to 5 minus 3 is equals to 2, तो आपको x comma y कितना मिला, 3 comma 2। समझ में आ गया, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जो हमने अभी देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।